सलार मूवी के एक्साइटमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम फैंस को लग रहा था कि सलार मूवी से केजीएफ यूनिवर्स एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि भाई हम मान के बैठे थे कि सलार मूवी केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट है। लेकिन भाई मूवी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं निकला, मूवी बिल्कुल एक इंडिविजुअल मूवी निकली। हालांकि मूवी इंडिपेंडेंटली भी बहुत जबरदस्त थी। तो सीन ये है कि हम फैंस ने जब से सलार मूवी को देखा है, फैंस तरह तरह की फैन थ्योरीज बना रहे हैं और भाई किसी भी तरीके से सलार मूवी को केजीएफ से कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। और भाई ये जो सलार और केजीएफ मूवी का जो भी कनेक्शन बन रहा है या थ्योरी बन रही है या फिर जो भी हिडन डिटेल हमें दिख रही है, इन सब चीजों को सिर्फ एक चीज बिल्कुल गलत साबित कर देती है, वो है रुद्रा का कैरेक्टर। जब भी फैंस सलार और केजीएफ का कनेक्शन देख रहे हैं, सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि अगर कनेक्शन है तो सलार मूवी में रुद्रा जो कि केजीएफ में गरुड़ा जैसे दिखता था वो कैसे आ गया, क्योंकि रॉकी ने तो 1978 में ही गरुड़ा को मार दिया था। और भाई इस चीज से और इस सवाल से ही सारी चीजें गलत साबित हो जाती है। लेकिन दोस्तों फैंस और उनकी फैन थ्योरीज का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि फैंस रुद्रा और गरुड़ा इन दोनों कैरेक्टर पे भी बहुत सारी थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ थ्योरीज से ये साबित हो रहा है कि गरुड़ा और रुद्रा सेम ही है, जबकि कुछ थ्योरीज से इनफैक्ट ये चीज एक फैक्ट भी है कि गरुड़ा और रुद्रा अलग अलग कैरेक्टर है जिसे एक ही एक्टर ने प्ले किया है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी फैन थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ये साबित होता है कि गरुड़ा और रुद्रा एक ही है। तो शुरुआत करते हैं पहली थ्योरी से। और भाई इस थ्योरी के लिए हमें टाइमलाइन को पूरी तरीके से भूलना होगा, यानी कि सलार मूवी में हमें जितनी भी टाइमलाइंस को दिखाया गया है या बताया गया है, हमें उन सबको भूलना होगा। तो थ्योरी ये है कि सलार मूवी में हमें बताया गया है कि खानसार में टोटल 101 टेरिटरीज थी जिसे खानसार के कुछ दिग्गजों को बांट रखी थी और उनकी पोजीशन उनके हाथ के कड़े से डिसाइड होती थी, जिसमें से एक कड़ा रुद्रा के पास भी था। तो कुछ फैंस का कहना ये है कि जो कड़ा था वो खानसार की टेरिटरीज नहीं बल्कि इंडिया के इलीगल काम को रिप्रेजेंट करता होगा, और रुद्रा के पास जो कड़ा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था केजीएफ की इलीगल गोल्ड माइनिंग को, और रुद्रा ही हमें केजीएफ में गरुड़ा बनकर दिख रहे थे। बस केजीएफ में वो अपनी नाक वाली नथुनी नहीं पहना करते थे, क्योंकि हमने देखा है भाई केजीएफ चैप्टर 1 में जो भी माइंस के गार्ड्स थे उनमें से कुछ गार्ड्स अपनी नाक में वैसे ही नथुनी पहना करते थे। तो फैंस का मानना यह है कि ये नथुनी वाले गार्ड्स मनार कबीले के ही होंगे जिन्हें गरुड़ा यानी कि रुद्रा अपने साथ खानसार से ही केजीएफ में लाया होगा। अब इस थ्योरी में बहुत सारे लूपहोल्स है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फैंस ऐसी ही थ्योरीज बना रहे हैं। जबकि अगर इस थ्योरी में हम टाइमलाइन को भी कंसीडर करें तो भाई ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। लेकिन क्या पता सलार में जो हमें टाइमलाइन बताई गई है वो सही ना बताई गई हो, क्योंकि भाई अगर सच में बात की जाए तो मूवी में जहां हमें 2017 को दिखाया गया है वो बिल्कुल भी मॉडर्न टाइम नहीं लग रहा। अगली थ्योरी आती है कि सलार मूवी में हमें ये पता चल गया है कि रुद्रा और बरदा इन दोनों के बाप तो राजा मनार थे, लेकिन इनकी माँ अलग अलग थी और हमें इन दोनों की माँ के बारे में नहीं बताया गया। और फैंस कह रहे हैं कि आखिर क्यों राजा मनार बरदा को सुल्तान बनाना चाहता था, जबकि बड़ा बेटा तो रुद्रा था और बरदा तो कायदे से चलता भी नहीं था। तो फैंस का कहना ये है कि रुद्रा सही में राजा मनार का बेटा नहीं था, बल्कि रुद्रा केजीएफ के गरुड़ा का बेटा था जिसे किसी सिचुएशन की वजह से राजा मनार को अपना बेटा बनाना पड़ा हो, क्योंकि हमें राजा मनार की पहली बीवी के बारे में नहीं बताया गया और केजीएफ में भी गरुड़ा की फैमिली के बारे में हमें नहीं बताया गया था। तो फैंस यही कह रहे हैं कि क्योंकि सबको ये लग रहा है कि देवा का बाप का कैरेक्टर धारा का कैरेक्टर प्रभास ही प्ले करने वाले हैं, तो उसी तरीके से रुद्रा और उसके बाप का कैरेक्टर गरुड़ा और रुद्रा इन दोनों का कैरेक्टर एक ही एक्टर ने प्ले किया हो, हमें सलार का और केजीएफ का एक अच्छा सा कनेक्शन दिख रहा है। क्योंकि सलार पार्ट 2 में रुद्रा को मारते हुए हमें देवा नहीं बल्कि केजीएफ के फरमान दिखेंगे, क्योंकि 1985 में फरमान जिंदा होगा और वही रॉकी के कहने पे गरुड़ा का बेटे यानी कि रुद्रा को मारेगा, और इसी तरीके से देवा और बरदा को रॉकी के बारे में पता भी चल जाएगा 1985 में। अगली थ्योरी आती है कि हमें पता है कि केजीएफ चैप्टर 1 में बहुत सारे नथुनी वाले गार्ड्स थे और वैसे नथुनी सिर्फ मनार कबीले के लोग ही पहना करते थे, और हमें ये भी पता है कि सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को केजीएफ दे दी थी और उस वक्त अधीरा ने भी उस फैसले को अच्छे से मान लिया था, जबकि अधीरा सूर्यवर्धन के मरने के बाद गरुड़ा को कभी भी कैसे भी कहीं भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया भाई। तो इसका रीजन फैंस इस तरह से दे रहे हैं कि गरुड़ा सूर्यवर्धन का बेटा था ही नहीं बल्कि वो मनार कबीले का ही बंदा था और खानसार से केजीएफ आया था और अपने गार्ड्स भी अपने साथ लेके आया था, और सूर्यवर्धन और अधीरा को ये बात पता थी इसलिए सूर्यवर्धन ने भी केजीएफ गरुड़ा को दे दी थी और अधीरा ने भी गरुड़ा को मारने की कभी कोशिश ही नहीं करी। और जब रॉकी ने गरुड़ा को मार डाला तो उसने ऑटोमेटिकली खानसार यानी कि शिव मनार या फिर राजा मनार से फाइट शुरू कर दी है, और जो गरुड़ा था वो खानसार का यानी कि शिव मनार या राजा मनार का कोई खास बंदा होगा, इसीलिए उसके बेटे को राजा मनार ने अपना बेटा बना लिया था, और सिर्फ इसी वजह से हमें राजा मनार वर्दा को सुल्तान बनाने के पीछे लगे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने असली बेटे को ही सुल्तान बनाना है। ये चीज बहुत सही है भाई।
तो गाइज ये थी कुछ थ्योरीज जो कि फैंस बना रहे हैं और फैंस के बीच में पॉपुलर हैं। गरुड़ा और रुद्रा इन दोनों कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल है जिससे बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही है, लेकिन आप अपनी थ्योरी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।